अभी मैं यहाँ पे Redmi Note 10 का दो यहाँ पे बैक कवर का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि Redmi Note 10 के डिवाइस में ये बैक कवर कैसा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपको कंपनी के द्वारा बैक कवर देखने को मिलता है, इस प्रकार का बैक कवर देखने को मिलता है, पर यहाँ पे जो आपको कैमरा का जो प्रोटेक्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको निकाल लिया। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ग्लास देखने को मिलेगा मैट में। अगर आपको ये परचेस करना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं बैक कवर की। तो सबसे पहले यहाँ पे बैक कवर मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला बैक कवर आपको इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये आपको बैक कवर ट्रांसपेरेंट में देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे कैमरा का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग केबल के लिए आपको यहाँ पे जैक देखने को मिल जाएगा, तो आप चार्जिंग केबल को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे लगा के आपको दिखाता हूँ कि ये आपको बैक कवर कैसे देखने को मिलता है Redmi Note 10 के डिवाइस में। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस बैक कवर को मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कैमरा का प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीकर का कटआउट आपको सही देखने को मिलेगा। यहाँ पे IR ब्लास्टर का कटआउट भी आपको यहाँ पे सही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इधर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सेंसर के लिए आपको यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसका भी कटआउट आपको सही से देखने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे दिखा दो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है हेडफोन जैक के लिए आपको कटआउट सही से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग केबल के लिए भी कटआउट यहाँ पे सही देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीकर के लिए भी यहाँ पे कटआउट सही देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस डिवाइस में ये जो आपको बैक कवर इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट ये बैक कवर यहाँ पे फिट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरे पास ग्लास लगा हुआ है, इस ग्लास में कोई भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी उस प्रकार का यहाँ पे आपको शेडो देखने को नहीं मिलेगा। और ये परफेक्ट ये आपको बैक कवर यहाँ पे Redmi Note 10 के डिवाइस में फिट हो रहा है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बैक कवर के बारे में बात करता हूँ और नेक्स्ट बैक कवर आपको यहाँ पे कैसे देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा बैक कवर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार का बैक कवर देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो ये आप बैक कवर देख सकते हैं इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, ग्लोसी टाइप का देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये आपको फाइबर में देखने को मिलेगा और थोड़ा हार्ड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको कैमरा का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इस बैक कवर को मैंने यहाँ लगा लिया और काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लास के साथ ये जो बैक कवर देखने को मिल रहा है काफी अच्छा यहाँ पे सूट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैट फिनिश में आपको यहाँ पे जो देखने को मिलता है ग्लास, उसमें ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे आपको जो बॉर्डरिंग देखने को मिल रहा है काफी अच्छा यहाँ पे लुक आ रहा है। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे बैक साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैमरा का कटआउट काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि कैमरा का कटआउट आपको यहाँ पे एकदम परफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम अप और डाउन के लिए आपको अलग से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे ऊपर की बात करें तो ऊपर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कटआउट IR ब्लास्टर का जो कटआउट है काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और स्पीकर का भी आप देख सकते हैं कटआउट यहाँ पे काफी परफेक्ट है। नीचे की बात करें तो नीचे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पीकर का कटआउट आपको सही से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्जिंग केबल जो आप लगाते हैं उसका भी कटआउट यहीं से यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3.5 mm जेक का भी यहाँ पे कटआउट यहाँ पे एकदम परफेक्ट है। और पीछे से भी आपका जो मोबाइल है उस मोबाइल का लुक भी यहाँ पे खराब नहीं होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट में ग्रीन काफी यहाँ पे अच्छा यहाँ पे खिल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये बैक कवर परचेस करना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको आप जाके यहाँ पे परचेस कर लीजिएगा।